गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में शुभ शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। कितने भी महापुरुष हों, कितने भी अवतार पुरुष हों, कितने भी ज्ञानी पुरुष हों, कितनी भी तीर्थंकर जैसी आत्माएं इस धरती पर आ जाएं, ध्यान रखना हर अवतार पुरुष को तीर्थंकर पुरुष को धरती पर आना है तो किसी और की जरूरत पड़े या ना पड़े माँ बाप की जरूरत जरूर पड़ा करती है। ध्यान, माँ के बिना तो भगवान भी जन्म नहीं ले पाते हैं, माँ के बिना तो तीर्थंकर का भी जन्म नहीं हो पाता है, माँ के बिना तो अवतार पुरुष भी इस धरती पर नहीं आ सकते हैं। माँ में बड़ी ताकत है, माँ की गोद वो गोद होती है जिस गोद में तीर्थंकर खेला करते हैं। ध्यान रखिए, इसलिए एक आचार्य को कहना पड़ा माने तुंगाचार्य को, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्राम नान्यासतम तदुपमम जननी प्रसूत। धन्य है वह माँ जो तीर्थंकर जैसे बच्चों को जन्म देती है, धन्य है वह माँ, धन्य है वह पुत्र। ध्यान तीतर जैसे बच्चों को तो सब जन्म दे देते हैं, कोई बिरली होती है माता त्रिशला, कोई बिरली होती है बामा देवी, कोई बिरली होती है माता मरुदेवी जो तीर्थंकर जैसे बच्चों को जन्म दिया करती है। ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है। मुझसे किसी ने पूछा कि मोहब्बत कहां है, किसी ने पूछा मोहब्बत कहां है, हमने कहा मेरी मां जहां है मोहब्बत वहां है। ध्यान रखना, मां से बड़ी मोहब्बत दुनिया में किसी के पास नहीं मिलेगी। और ध्यान रखना, डनलप के गद्दे में चैन की नींद आए या ना आए, कोई थका हारा बेटा यदि बाहर से आता है, अरे माँ की गोद में लेट जा, अरे माँ जब हाथ फेरा करती है बालों पर तो डनलप के गद्दों का चैन भी फीका पड़ जाया करता है, माँ की गोद में वो आनंद हुआ। माँ की गोद से बड़ी सुरक्षा कोई नहीं है। माँ बच्चे को मारती है, पीटती है, पुचकारती है, दुत्कारती है, लेकिन कभी देखना यदि कोई और बच्चे को मारे तो बच्चा उसके पास कभी नहीं जाया करता है, लेकिन माँ मारे तो भी रोता हुआ बच्चा माँ की गोद में ही जाया करता है, वह दूसरों की गोद में नहीं जाता। कोई और उठा ले तो भी रोके वो माँ की ही गोद में जाता है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा भी जानता है माँ की मार मार नहीं, माँ की मार में हमारी सुरक्षा हुआ करती है, माँ की मार में हमारे जीवन की संरक्षण हुआ करता है। बच्चा रोते हुए भी माँ के पास, माँ जितना मारेगी बच्चा उसके ही पास जाएगा। ध्यान रखना, ये माँ की तासीर हुआ करती है। और एक बात याद रखो नारियों, महिलाओं, साबिकाओं, ये माँ बनने का वरदान इस दुनिया में केवल ईश्वर ने तुमको प्रदान किया है, और ये ताकत पुरुषों में नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, दुनिया के प्रत्येक प्राणी में जाकर देखना, मां बनने का सामर्थ्य केवल स्त्री के पास हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, एक पिता की मृत्यु हो जाए तो माँ बाप का रोल अदा कर सकती है, लेकिन माँ की मृत्यु हो जाए तो दुनिया का कोई बाप माँ की जगह नहीं ले सकता है। ध्यान रखना, माँ तो माँ हुआ करती है, माँ से बड़ा कोई और नहीं। ध्यान रखना, पिता चले जाए तो बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, माँ चली जाए तो बच्चे अनाथ हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, माँ से ज्यादा महान, माँ से ज्यादा कीमती, माँ से बड़ी चीज दुनिया में कोई दूसरी नहीं। नादान है वो लोग जो जीते जी अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाते हैं, माँ बाप की पूजा नहीं कर पाते हैं, माँ बाप को सम्मान नहीं दे पाते हैं। मंदिर में देवियों को पूजने वालों, यदि घर में माँ की आंख में आंसू है ना तो देवी तुम्हें कोई वरदान देने वाली नहीं हुआ करती है। माँ की पूजा करो, माँ की सेवा करो,
माँ को सम्मान देना सीखो। ध्यान रखना, दुनिया में हर लोग दोबारा मिल सकते हैं, दोस्त और मिल जाएंगे, पत्नी और मिल जाएगी, बच्चे और हो जाएंगे। ध्यान रखना, दुनिया की हर संपदा खोई हुई दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप चले जाएं तो फिर वो दोबारा प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। एक बार ही जीवन में मिलते हैं। और एक बात मालूम है, दुनिया में हर चीज चुनने से मिलती है। तुम चॉइस कर सकते हो मुझे किससे दोस्ती करना है, तुम चॉइस कर सकते हो मुझे कौन से मकान में रहना है, तुम चॉइस कर सकते हो मुझे किससे शादी करना है, तुम चॉइस कर सकते हो किसको हमें अपना रिश्तेदार बनाना है। लेकिन एक बात याद रखना नांदगांव वालों, दुनिया में हर चीज चुनने से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप चुनने से नहीं मिला करते हैं। एक बात स्मरण में रखो, माँ बाप चुनने से नहीं, माँ बाप पुण्य से मिला करते हैं। पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो माँ बाप तुम्हें प्राप्त पुण्य से मिलते। कोई चॉइस कर सकता है कि मैं अगले जन्म में इसके गर्भ से पैदा होऊंगा, अगले जन्म में ये मेरे पिता बनेंगे, मुझे इनके गर्भ में आना है? नहीं, ये तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, ये तो तुम्हारी किस्मत और पुण्य का अधिकार है कि तुम्हें ऐसे माँ बाप के यहां जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, मान्यवर मां के चरणों में जन्नत है। बहुत छोटा सा शब्द है मां, एक अक्षर है मां, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चा स्कूल बाद में जाता है, वर्णमाला बाद में सीखता है, अल्फाबेट्स बाद में सीखता है। बच्चा पैदा होते जैसे ही बड़ा होता है ना, तो सबसे पहला शब्द मां बोला करता है। ध्यान, और इंसान का बच्चा ही नहीं, जानवर का बच्चा भी पैदा होते ही मां को आवाज लगाया करता है। एक बात ध्यान रखना, यदि माँ बाप का दिल दुखाओगे तो तुम्हारे सारे व्रत बेकार हैं, सारी तपस्याएं बेकार हैं। कितना भी बरसी तप कर लेना, किसने भी दस लक्षणी के उपास कर लेना, कितनी भी अठाई कर लेना, कितनी भी अष्टमी चौदस कर लेना, माँ का दिल दुखाया है ना, सारा पुण्य तुमने जो भी इन उपासों में अर्जित किया है, ध्यान रखना वो सारा पुण्य माँ के आंसुओं में बह जाया करता है। ध्यान रखना, माँ बाप का सम्मान करना। माँ बाप से रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं, लाख कोशिश कर लो आप माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। जीते रहोगे तो भी वही माँ बाप है, और मर के दुनिया से चले गए तो भी उन नाम तो उन्हीं माँ बाप का लिखा जाएगा, किसी और का नाम नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखना, और तुम तो संसारी लोग हो, हम साधु संत भी सारी दुनिया से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन माता पिता से संन्यास नहीं ले सकते हैं। और हम साधु संत भी छोड़ दो, तीर्थंकर भी अपने माँ बाप को नहीं भूला करते हैं। विचार करिए, तीर्थंकर सारे कर्मों का नाश करके दुनिया से चले गए, सारे रिश्तों को तोड़ करके दुनिया से चले गए, लेकिन कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है, अरे उन्होंने सारी दुनिया से रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन माँ बाप से रिश्ते कोई नहीं तोड़ पाए। कोई तीर्थंकर ने माँ बाप से रिश्ते नहीं तोड़े, और यदि तोड़ दिए होते तो सारे जगत के भगवान को ये दुनिया क्यों कहती कि त्रिशला नंदन वीर की। और जय बोलो, आज भी वो सारे जगत का भगवान है, लेकिन त्रिशला के सामने त्रिशला का नंदन ही कहलाया करता है। आज भी कृष्ण देव की नंदन कहलाया करते हैं, और आज भी श्री राम कौशल्या नंदन, सारे दुनिया के भगवान, लेकिन माँ बाप के सामने तो ये आज भी बच्चे हैं। ध्यान रखना, आज भी ये माँ बाप के सामने तीर्थंकर भगवान भगवान भक्त के सामने हो सकते हैं। आप रोज पढ़ते हो ना, रोज स्तुति करते हो, भगवान का नाम लेते हो, मालूम है मोक्ष भगवान के माता पिता नहीं गए हैं, लेकिन उनके बिना भगवान की आरती नहीं हो सकती है, उनके बिना भगवान की स्तुति नहीं हो सकती है, उनके बिना भगवान का सुमरण नहीं हो सकता है। अश्वसेन के राज दुलारे बामा देवी की आंखों के तारे रोज पढ़ा करते हो, इनके बिना कोई पूजा भक्ति नहीं हो सकती है, माँ बाप के नाम नहीं छूट सकते हैं। ध्यान रखना, कई तीर्थंकरों ने विवाह किया, विवाह करके फिर संन्यास ले लिया, कोई उनकी पत्नी का नाम नहीं लिया करता है। यदि नाम लिया जाता है
तो तीर्थंकरों के माँ बाप का नाम लिया जाता है। कोई पत्नी का नाम लेता है? आज तक सुना ऋषभदेव की पत्नी के कोई मंदिर बना रहा, कोई उनका नाम ले रहा, नंदा सुनंदा कह करके बुला रहा हो? जब भी पुकारा जाएगा नाभि सुत मरु देवी नंदन के नाम से उनको। मां बहुत महान होती है, ध्यान रखना। तुम्हारे जब बच्चों का स्कूल में नाम लिखाता है ना, माँ बाप का नाम लिखते हैं, भाई बहन का लिखता है, कोई चाचा का लिखता है, ताऊ का लिखता है, ननंद का लिखता है, देवर का लिखता है, क्या लिखा जाता है? आधार कार्ड में किसका नाम आएगा? माँ बाप का ही नाम आएगा, ध्यान रखना। तुम दुनिया में रहो या ना रहो, माँ बाप का नाम। यदि पुलक सागर की कोई कहानी लिखने बैठेगा तो मेरी कहानी बाद में बनेगी, पहले मेरे माँ बाप का इतिहास लिखा जाएगा, ध्यान रखना। उनके बिना हमारी पहचान अधूरी हुआ करती है। कुंडलपुर नगरी का नाम आएगा, राजा सिद्धार्थ का नाम आएगा, त्रिशला माता का नाम आएगा, दशरथ याद किए जाएंगे, कौशल्या और ध्यान रखना अयोध्या नगरी सदा याद की जाए। मनुष्य की प्रामाणिकता माँ बाप हुआ करते हैं, ध्यान रखना। तुम आज जितनी भी इज्जत की जिंदगी जी रहे हो ना, वो अपने दम पे नहीं जी रहे हो, ध्यान रखना। इसमें तुम्हारे माँ बाप का हाथ है। आज तुम जहां भी हो, जो भी हो, जो भी समाज में तुम्हारी इज्जत बरकरार है, वो माँ बाप की वजह से बरकरार है। आज बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तुझे डॉक्टर बनाने का सपना माँ बाप ने तुमसे बच्चे से पहले देखा होगा, और अपने जीवन के तमाम आवश्यकताओं को काट काट कर, अपने अरमानों का गला घोंट घोंट कर, वह आपके जीवन को डॉक्टर के रूप में परिवर्तित करता है। ये मत सोचना हम अपने दिमाग से डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। माँ बाप का सहयोग ना होता तो आज इतनी ऊंची पोस्ट पर आप नहीं रहते। और मिले पुलक सागर भी यदि आपके सामने बैठकर प्रवचन कर रहा हूं, तो इसमें मेरा अपना कम, मेरी माँ का हाथ इसमें ज्यादा हुआ करता है, ध्यान रखना। उन्होंने सपना देखा था, मान्यवर। सोचना है आपको, माँ बाप के बिना जीवन कैसे चल सकता है? लेकिन अफसोस है कि आज माँ बाप को उच्च दर्जा नहीं मिल रहा है, आज माँ बाप की उपेक्षाएं हो रही हैं, बूढ़े घरों में ऐसे जी रहे हैं, अपना घर होते हुए भी ऐसा लगता उन्हें जैसे परायों के घर में जी रहे हो, ध्यान रखना। बड़ा दुख होता है उस समय मुझे जब अपने ही घर में हमारे बुजुर्ग खांसते और थूकते भी डरते हैं, ध्यान रखना। ऐसा माहौल हमने अपने घर का बना दिया है, अपने ही घर में परायेपन का बोध हुआ करता है, अपने ही घर के लोग अपने को सम्मान इज्जत नहीं दिया करते हैं, अपना ही बेटा अपन से बोलना पसंद नहीं करता है। घर एक समय वह था जब घर की हर चीज, स्कूल जाता था बच्चा तो स्कूल में क्या क्या होता है सब माँ बाप से आकर बताता था, मम्मा ऐसा हुआ, मम्मी स्कूल में ऐसा हुआ, आज वो उससे वो मिला, ध्यान रखना। हर चीज माँ बाप से शेयर करता था बच्चा। अब एक समय वह आ गया कि बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, माँ बाप उससे पूछ ले तो बच्चा कहता है चुप रहो, तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अरे धिक्कार है वो जीवन, सबसे पहले बोलना माँ ने सिखाया था। तो बड़े होकर तुम माँ को चुप कहते हो, तुमको शर्म आना चाहिए, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है बहुओं से, बेटियों से, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान बना रहना चाहिए। आज बदल रही है संस्कृति बड़ी तेजी से। मैं आपसे कहूंगा पेड़ बूढ़ाई सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ाई सही आंगन में लगा रहने दो, फल दे या ना दे छाया तो देता रहेगा, ध्यान रखना। बूढ़ा पेड़ भी छाया तो देता है ना, फल नहीं दे सकता कोई बात नहीं है, उसकी छाया में रहो, ध्यान। मान्यवर, एक चिड़िया थी, एक पेड़ पे घोंसला बनाकर रहती थी। उस चिड़िया के दो बच्चे थे, चिड़िया ने उन बच्चों के लिए सब कुछ जो उससे बन पड़ा उसने समर्पित किया, उनको पालती, दोनों पंखों से सहलाकर छाती से लगा के रखती,
रात भर उन्हें ठंडी लगती तो पंखों से गर्मी प्रदान करती, खुद ठंड में ठिठुरती लेकिन बच्चों को ऊष्मा प्रदान करती। एक चोंच उसकी, उस छोटी सी चोंच में वो चिड़िया मालूम है तीन काम कर लिया करती है। उस चोंच से वो अपना पेट भरती है, उसी चोंच से बच्चे को दाना खिलाती है, और उसी चोंच से अपने रहने के लिए घोंसला बनाती है। ध्यान रखना, एक चिड़िया उतनी सी छोटी सी चोंच में कितने बड़े काम किया करती है। चिड़िया की कारीगरी को कभी देखने का प्रयास करना। आदमी अपना मकान बनाता है तो अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढता है, डिजाइन बनाता है, अच्छे से अच्छा इंजीनियर की तलाश करता है, लेकिन कभी उस पक्षी को देखना, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, कोई स्कूल नहीं होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती है, और एक चोंच से वह चिड़िया कैसे एक एक तिनका और धागा ला करके अपना घोंसला बनाती है, और इतना मजबूत घोंसला बनाती है, इतना मजबूत घोंसला बनाती है कि हजारों आंधी तूफान भी उसे गिरा नहीं सकते हैं। बोलो, उसने वो डिग्री कहाँ से प्राप्त की है? और ऐसा बुनती है, यदि आदमी को तिनके और धागे दे दिया जाए कि घोंसला बना दो, तो तुम पढ़े लिखे आर्किटेक्ट भी वह घोंसला नहीं बना पाएगा। वह चिड़िया कैसे बना लेती है, कैसे करती है, ये प्रकृति की देन है, ये प्रभु की मर्जी है। कैसा मजबूत घोंसला एक धागे पर लटका रहता है, कहां से तो धागा बीन लाती है, रस्सी बीन लाती है, कहां से तिनके बटोर लिया करती है, पूरे दिन में अपना मकान बना लिया करती है। ध्यान रखना, कैसी कारीगरी परमात्मा ने उसको सौंपी है। विचार करो, ना कोई उसने पढ़ाई की, ना स्कूल गई, ना कॉलेज गई, अपना मकान बना लिया करती है, इतना मजबूत मकान। और एक बया चिड़िया होती है ना, वो भी आजकल डबल बनाने लगी है। हिंदुस्तान में फ्लैट सिस्टम आ गया है ना, जगह बड़े शहरों में अब बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती है, हर शहर मुंबई जैसा दिखाई दिया करता है। चिड़िया ने सोचा, यार अपन भी तरक्की करें। वो बया चिड़िया ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाया करती है। ऐसा घोंसला कभी जाकर के जंगलों में देखना, नीचे भी रहती है और ऊपर अंडे दे दिया करती है। विचार करें कैसी कारीगरी उसके पास है, विचार करें। आदमी को सीखना पड़ता है, पशु पक्षी बिना सीखे सब कुछ कर लिया करते हैं। आदमी को तैरना सीखना पड़ता है, लेकिन पशु पक्षियों को तैरना नहीं सीखना पड़ता है। पानी में उतरते हैं और उस पार कौन समझदार है, आदमी या वो जानवर समझदार है, मुझे समझ नहीं आता। विचार करिए, एक चोंच से तीन काम करती है चिड़िया, अपना पेट भी भरती है, बच्चे का पेट भरती है, वो मकान का निर्माण किया करती। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।